सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन टेक्निकल चैनल को ताकि आपको सभी टेक्निकल वीडियोस मिल सकें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब, स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन टेक्निकल पर। बात करने वाले हैं फिर से कुछ और कमाल टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं ज्ञान का प्रसार और बताते हैं कुछ और आपको आज नया। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है टिकटॉक, यानी कि इस ऐप के बारे में जरूर हम बात करेंगे क्योंकि ऐसे में ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बैन टिकटॉक, यानी इंडेक बैन टिकटॉक, हैशटैग टिकटॉक बैन, कुछ ऐसे ही करके ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंडिंग शायद हैशटैग नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है और क्या इसके रीज़न है और टिकटॉक के बारे में कुछ और बातें, यानी कि स्टोरी ऑफ टिकटॉक आज हमको पूरा बताने वाले हैं। टिकटॉक जांग यिमिंग मालिक जांग यिमिंग की कंपनी बाइट डांस द्वारा बनाया गया एक ऐप है फ्रेंड्स, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है और इस चाइनीज़ कंपनी ने ही बनाया था इस ऐप को। 2018 में ग्लोबली लॉन्च किया था, इससे पहले वो 2016 में अपने देश के अंदर टिकटॉक डोयन करके कुछ ऐप चला रहे थे, लेकिन उसको इन्होंने बनाया 2018 में ग्लोबल लॉन्च किया म्यूजिकली के साथ मिलकर फ्रेंड्स। और म्यूजिकली ऐप को फिर बाद में पूरे तरीके से बदल के कर दिया गया टिकटॉक, और इस तरीके से मिलता है आपको एक टिकटॉक और म्यूजिकली के लगभग 200 मिलियन यूज़र्स इसके ऊपर गए। उसके बाद फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और फिर आज ये वर्ल्ड का मोस्ट लाइक्ड ऐप बन चुका है फ्रेंड्स, और अभी भी मोस्ट लाइक्ड ऐप ही है जिसमें आप लिपसिंग वगैरह करके और कुछ छोटी मोटी एक्टिंग वगैरह करके कुछ चंद सेकंडों की वीडियो बना करके उसमें आप पोस्ट कर सकते हो, और इसमें आपका समय भी कम लगता है वीडियोस बनाने में और आप जल्दी से पॉपुलर हो सकते हो फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके का ये ऐप है। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो आपके माइंड के साथ खेलता है। आपको पता है कि क्या इस टिकटॉक में आप वही कंटेंट देखते हो जो आपको टिकटॉक दिखाना चाहता है? आप कभी भी अपने आप खुद सर्च करके कोई वीडियो यहाँ पर निकाल नहीं सकते हो फ्रेंड्स, आप सिर्फ वही देख सकते हो जो टिकटॉक आपको दिखाना चाहता है, यानी कि ये आपके माइंड के साथ खेलता है। आप ऐसे में आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे अपनी पसंद, मान लो कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है लेकिन आपके साथ आपको दिखाई जा रही है, उसके बाद आप अपनी मनपसंद चीज़ें ढूंढने के लिए स्क्रॉल करते रहोगे उसमें आपको माइंड में स्ट्रेस आए। कई बार इस पर बैन लगाया गया है इंडिया में भी, अदर कंट्रीज़ में भी, लाइक US, इज़राइल एंड इंडिया। क्या रीज़न रहे ऐसे? तो फ्रेंड्स रीज़न कुछ इस तरीके के रहे कि प्राइवेसी एक तो इस पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है फ्रेंड, नहीं है। उसके बाद इस पर कुछ अश्लील कंटेंट पहले क्या ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, लाइक स्टार्टिंग में क्या होता था जो टिकटॉक अगर का आप इंटरफेस खोलते थे तो उसमें कुछ इन वीडियोस से कोई मतलब नहीं था जो आजकल आप बना रहे हो और आजकल आप टिकटॉक पर देखते हो फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो कोई नहीं दिखाई देती, सिर्फ उस पर न्यूडिटी की वीडियोस ही दिखाई देती थी, लाइक गर्ल्स की अजीब वगैरह मतलब वीडियोस वगैरह, मतलब समझ सकते हो आप, मैं पूरी तरह नहीं बोल सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें इस पर ज़्यादा दिखाई जाती थी और अश्लील कंटेंट जो था उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स इस पर केस डाला गया, केस डालने के बाद इसने लगभग 6 मिलियन वीडियोज़ वहाँ से हटाए और पूरा याचिका दी हमारे हाई कोर्ट को, के बाद इसको अनबैन किया गया इंडिया में फ्रेंड्स। लेकिन इस तरीके के काम करते करते कई केजी के बदनाम हो चुके, अपनी खुद की बातों को भी उस पर पूरी तरीके से नहीं रख सकते हो। मान लो आप ये ऐप चाइना का है फ्रेंड्स, और आप चाइना के बारे में किसी तरह ये बात प्रूफ कर दो कि कोरोना वायरस चाइना से निकला है और आप इस वीडियो को बना करके पोस्ट कर देते हो टिकटॉक पर फ्रेंड्स, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा टिकटॉक द्वारा, आपके अकाउंट को भी बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसी फ्रीडम आपको टिकटॉक पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। और आप क्योंकि सारी परमिशन उसे दे चुके हो, कैमरा, माइक्रोफोन, वो इन सारी परमिशन को यूज़ कर करके आपकी सारी प्राइवेसी की रेड मार देगा फ्रेंड्स। और तो और फ्रेंड्स ऐसा मतलब अगर चाइना को इस ऐप पर इतना ट्रस्ट होता, तो अपने देश में भी यही ऐप यूज़ करता, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, अपने देश के अंदर टिकटॉक नहीं चलाते, इन्होंने अपने देश के लिए एक अलग ऐप बनाया हुआ है फ्रेंड्स, डोयन करके कुछ अलग ऐप बनाया हुआ है अपने देश के लिए। तो ये उसी ऐप को यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि इस ऐप के द्वारा डाटा आसानी से हैक किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो ऐसे में ऐप आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और आजकल तो हैशटैग टिकटॉक बैन ट्रेंड कर रहा है नंबर वन पर, और टेक्निकल गुरुजी ने तो बस कह के मतलब क्या बताऊँ कि क्या कर दिया टेक्निकल गुरुजी ने टिकटॉक के साथ। आप देख ही सकते हो नोट भाई, 2 की रेटिंग आ गई है और मुझे लगता है ज़्यादा घटती रहेगी, 2 की रेटिंग करा दी टिकटॉक की, वाह। टिकटॉक लाइक तो 1 पे है, 1 की रेटिंग, मतलब क्या क्या किया है ऐसा, क्या क्या क्यों मार रहे हो बेचारे को, काहे काहे इतना दर्द दे रहे हो बालक का, ये तो पहले ही मरा पड़ा है। कहाँ कैरी ने टिकटॉकर्स को बजाया और टेक्निकल गुरुजी ने टिकटॉक को ही बजा दिया ऐसा, अब मतलब क्या होता है, बस क्या ही बोलूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये जो टिकटॉक है इसके बारे में थोड़ी सी और बातें आपको बताते हैं। मेन चीज़ होती है कंटेंट। अब आप यूट्यूब को ले लो, मैं सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यूट्यूब को ले लो फ्रेंड्स, यूट्यूब भी एक इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हैं और काफ़ी सारे हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं फ्रेंड्स। ऐसे में आप देखोगे कि हर जो क्रिएटर है,
हर जो क्रिएटर है यूट्यूब का एक अलग कंटेंट पर बेस्ड होता है फ्रेंड्स। यदि मान लो रोस्टिंग का चैनल है तो वो रोस्ट कर रहा होता है, यदि मान लो टेक्निकल का चैनल है तो टेक्निकल न्यूज़ बता रहा होता है, कुछ भी टेक्निकल टॉपिक ले रहा होता है। ऐसा नहीं कि अभी कोई भी कुछ भी घुसा दे ऐसे ही अपने अपने टॉपिक में, सबका अलग अलग है फ्रेंड्स। तो ये एक आपका अपना खुद का कंटेंट बनाने की आपकी फ्रीडम देता है, लेकिन यहाँ पर आप खुद का कंटेंट कहाँ से बना पाओगे? ये आपको वही चीज़ें दिखाता है जो टिकटॉक चाहता है। टिकटॉक ही सब कुछ ट्रेंड करता है। चाहो तो टिकटॉक के विकिपीडिया पेज पर जाकर देख लेना, ये उन्हीं लोगों को फेमस करता है जो लिपसिंग करते हैं। वहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है कि यह ऐप लिपसिंग के लिए बनाया गया है। छोटी वीडियो पर लिपसिंग करके आप इस ऐप द्वारा फेमस हो सकते हैं फ्रेंड्स। आप जाकर चेक कर सकते हो टिकटॉक के विकिपीडिया में, ये साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशनड है। तो भाई आप किस मतलब कहाँ से इस चीज़ को टैलेंट बोल सकते हो और कहाँ से इस चीज़ को मतलब उस लेवल पर लेके जा सकते हो और इस लेवल की चीज़ों से कंपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आप इस लेवल की चीज़ों से इस गंदे से आपका कंपेरिजन नहीं कर सकते। आप समझ गए होगा कि ये वाली चीज़ कौन सी है और ये वाली चीज़ कौन सी है, समझ रहे हो ना? ये टिकटॉक है, मैं साफ बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस वाली चीज़ से आप उसका कंपेरिजन नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स। क्योंकि कोई कंपेरिजन है ही नहीं, कोई कंपेरिजन है ही नहीं। मैं आपसे यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, यदि मैं यूट्यूब के बारे में कुछ गलत बात भी बोल दूंगा तो यूट्यूब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता फ्रेंड्स। मुझे अगर कुछ गलत लगेगा यूट्यूब में, मैं साफ साफ बोल दूंगा, मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मेरा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप टिकटॉक पर ऐसा कुछ करेंगे तो आपका जरूर कुछ ना कुछ बिगाड़ा जा सकता है, आपके अकाउंट बैन किया जा सकता है और आपको भी शायद हो सकता है आपका वीडियो डिलीट कर दिया जाए, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इस मामले में मुझे टिकटॉक बिल्कुल भी बेकार लगता है, मतलब कोई भी ज़्यादा और इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म तो बोल ही नहीं सकते फ्रेंड्स। वो आपका सिर्फ माइंड पढ़ रहे हैं और माइंड के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा, और ये टिकटॉक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। और चलो मान भी ले कि भाई टिकटॉक भी एक प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है और अदर भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब बहुत सारे सभी प्लेटफॉर्म हैं। हम किसी प्लेटफॉर्म को गलत साबित नहीं कर सकते, मैं टिकटॉक को भी गलत साबित नहीं करूँगा, लेकिन टिकटॉक पर या फिर जो भी है हर किसी प्लेटफॉर्म की जो खासियत है वो उस पर हो रहे काम द्वारा दिखाई जाती है। अब टिकटॉक पर जो काम हो रहा है उसी के आधार पर तो हम उसकी चीज़ें बताएंगे। वो आप उसको आपको लगता है कहीं से भी, ईमानदारी से बताओ, आपको लगता है कहीं से भी कि इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म है टिकटॉक? बताइए मुझे, अगर लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना भाई, कोई रीज़न भी देना, एक बढ़िया रीज़न देना मेरे को, ठीक है, कि भाई एक इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म है और मैं आपको रीज़न देता हूँ कि इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात कि आप खुलकर बात नहीं कर सकते, किस बात के इन्फ्लुएंसर हो आप फ्रेंड्स? ये आपको खुद कंटेंट देता, आपका कंटेंट तो कुछ है ही नहीं। आप ये तो भला हो मतलब इंडियन क्रिएटर जो अपनी वीडियो पर अलग से साउंड लगा करके इस पर पोस्ट कर सकते, वहाँ से साउंड ना लेकर के सीधे अपने एडिटिंग करके अपना आप साउंड लगा कर वीडियो पोस्ट कर दो आप, नहीं तो फ्रेंड्स आपको ये इतनी फ्रीडम भी ना दे, क्योंकि इसमें गाने भी आपको वही मिलेंगे, आप उन्हीं गानों को सिलेक्ट कर सकते हो जो इसमें हो, नहीं तो आपको कोई भी अपनी वीडियो पर अपनी गैलरी से गाना सिलेक्ट करके नहीं लगा सकते। तो कहाँ की फ्रीडम मिल रही है आपको फ्रेंड्स? इस ऐप पर आपको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही है, ये सिर्फ आपका माइंड पढ़ रहा है। और बिल्कुल, मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, मुझे बहुत बात अच्छी लगी उनकी, मुझे नाम याद नहीं है उस क्रिएटर का, लेकिन बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोला था कि ये क्या करते हैं कि हर आपको स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे की तरफ देखते हो, स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे की तरफ देखते हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आप अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए फिर से स्क्रॉल डाउन करोगे और करते रहोगे। और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है कि हर किसी को ये कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा। और क्रिंज क्यों बोला, कंटेंट को क्रिंज क्यों बोला? क्योंकि क्रिंज इसलिए क्योंकि ये काम हो रहा है, आप देख रहे हो आपको अच्छी नहीं लगी बस फिर नीचे किया, नहीं लगी अच्छी फिर नीचे किया, फिर नीचे, मतलब आपका माइंड यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है। तो फ्रेंड्स से कंटेंट ही क्रिंज है, जिस काम को करने में देखने में शर्म आए उसे तो क्रिंज बोलते हैं फ्रेंड्स। अब ऐसा आप करे जा रहे हो, अब आपका बस बन नहीं रहा कुछ भी, तो क्या करोगे आप? अब ये मुजरा वजरा थोड़ी ना करके मतलब टाइम काटोगे अपना भाई। हम चीज़ें यूट्यूब खोलते हैं, हम लोग देखते हैं अमित भड़ाना की वीडियोज़, कैरी मिनाटी की वीडियोज़, और भी बहुत सारे चैनल है, मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगा, और आशीष चंचलानी है फ्रेंड्स, बीबी की बाइंस है, और आर राउंड टू हेल मेरा फेवरेट चैनल है। तो बहुत सारे मतलब क्या बताएं आपको, इतने सारे चैनल्स हैं, आप जाकर के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स क्या आप टिकटॉक पर ऐसे कर सकते हो? बताइए आप, क्या आप कोई वीडियो सर्च करके टिकटॉक पर देख सकते हो? फ्रेंड्स अदर प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी वीडियो का कोई टाइटल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी वीडियो का कोई टाइटल होता है? आप कैसे सर्च करोगे कोई वीडियो? किसी वीडियो को टाइटल नहीं होता। क्यों नहीं होता टाइटल? क्योंकि टाइटल भैया पहले ही सर्च सेट कर देते हैं, बस ये गाना टाइटल है, हु 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 हु
बस वही गाना चलेगा, फिर गाना सब सब हु वही वीडियो लगा, ये सारी चीज़ें हैं भाई। अगर मान लो कोई गाना बजा तेरी आँखें काय काजल, फिर बस सारे उसी पे तेरी आँखें काय काजल, एक अंडा सिर्फ फोड़ फोड़ के दिखा रहे हैं, भैया कैसे करके मानोगे, ये का कंटेंट है, अंडा सिर्फ फोड़ने का कंटेंट होता है, ये बता दीजिए हम पर, मतलब अंडा सिर्फ फोड़ लो भाई, करके दिखाओ, ड्यूट करो भाई, बस मतलब तंग आ गए हम भाई। यहाँ पे आपको कुछ मतलब हर काम करने की चीज़ दे रखी है भाई, ड्यूट करने तक का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ आप YouTube पर आ जाओ, हम ड्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है आपको, पहले वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ड्यूट कर सकते हो किसी को, यहाँ कर सकते हो। अब यहाँ क्या करोगे, जाओगे सीधे ड्यूट पर क्लिक करोगे और ड्यूट बनने लगी आपके पास, और कंटेंट मिल गया ना आपको, उस बंदे ने कॉपी किया कंटेंट कहीं से, अब आप उसको ड्यूट करके आपने कॉपी कर लिया, फिर ऐसे कोई आपको ड्यूट करके कोई और कॉपी कर देगा, बस ये चलता रहता है टिकटॉक पर, होता ही है भाई। ये टॉक्सिसिटी फैल रही है हमारे देश में, सच बता रहा हूँ, इसे खत्म करो देश से। बस टेक्निक गुरु जी आपका पूरा सपोर्ट है, एक क्रिएटिंग दूँ मैं बस भर गूँ इससे, बस खत्म करो भाई, खा जाओ इसे, टिकटॉक नहीं है, बवाल हो गया हमारे देश में, इससे बचो जितना बच सकते हो भाई, सच बता रहा हूँ, दूर रहो, ये टॉक्सिसिटी है हकीकत में। टिकटॉक भी या कोरोना वायरस भी एक ही देश के बीच है, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, सुन लियो चाइना, कह दिन तेरे नंबर आ रहा हो, खाल काट दूँ तेरी, नाश पीटे हमारे देश को, नास ले दिया पूरा, 4 महीने घर में बैठ बैठे नास पीटे, लॉकडाउन लगे हुए, कहाँ का करता है।